15 अगस्त, ये डेट से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश में बहुत सारे मिशन भेजे थे। इनमें से ही बहुत बड़ा और लास्ट हम लोग बोल सकते हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मिशन आया था वो था कैबिनेट मिशन। 1945 4th दिसंबर, ये उस वक्त के भारतवर्ष के जो हमारे सेक्रेटरी थे इंडियन गवर्नमेंट के, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के भारतीय जो सेक्रेटरी थे उनका नाम था सर पैथिक लॉरेंस। उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया था कि बहुत ही जल्द भारतवर्ष के जो इंडिपेंडेंस के बारे में जो सोचा जा रहा है उसके कुछ सिद्धांत निकलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो जो पैथिक लॉरेंस उन्होंने बोला कि भारतवर्ष के स्वाधीनता के बारे में, फ्रीडम के बारे में एक एक डिसीजन लिया जा रहा है, मतलब बहुत ही जल्द डिसीजन लिया जाने वाला है उस मिशन के बारे में। क्या ये मिशन था, कौन कौन आए थे, क्या डिसीजन लिया गया था, बस मेरे इस वीडियो में वही बात बोलने वाले हैं। तो सब लोग अंत तक देखो, तुम लोगों को बहुत मदद मिलेगा, क्योंकि UPSC, IAS, IPS, गवर्नमेंट जो भी जॉब्स होते हैं या स्कूल कॉलेज लेवल में, सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंबर का नाम बताइए, क्या प्रस्ताव रखा गया था ये बताइए, तो आपको ये मदद मिलने वाला है। तो 1946 ये जो साल है ये भारतीय इतिहास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि 19 फरवरी भारतवर्ष में ये रेन म्यूटिनी की शुरुआत हुआ था। तो ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट सोच रहे थे कि जिस तरह का हालत भारतवर्ष में बना हुआ है कि किसी भी वक्त और भी बहुत कुछ हो सकता है और हम लोगों के लिए बहुत टाइम कम है भारतवर्ष में रहने के लिए। बस इसी के चलते उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब 19 फरवरी 1946 रेन म्यूटिनी जो शुरुआत हुआ उसके उसी दिन उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोला कि भारतवर्ष के फ्रीडम के लिए, भारतवर्ष की स्वाधीनता के लिए एक एक हाई पावर टीम भेजा जाएगा भारतवर्ष में, क्योंकि भारत का हालत को देखा जाना, भारत का जो वर्तमान जो हालत है उसको देख के डिसीजन लिया जाएगा। तो इसी तीन सदस्य होंगे इस टीम में और ये टीम सिद्धांत लेंगे कैसे भारतवर्ष में जो जो पावर का हस्तांतर होना था तो उसको कैसे करना है। तो कौन कौन थे इस तीन कैबिनेट मिशन के टीम में, पहले थे उस वक्त के भारतवर्ष के सेक्रेटरी जो सर पैथिक लॉरेंस थे, दूसरे थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के उस वक्त के प्रेसिडेंट सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, तीसरा मेंबर था जो नेवी के हेड थे फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी, तो ये नेवी के जो उस वक्त के हेड हुआ करते थे ए वी अलेक्जेंडर। तो ये तीनों को एक साथ मंत्री मिशन, कैबिनेट मिशन बोला जाता है, बांग्ला में मंत्री मिशन बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कैबिनेट मिशन बोलते हैं। तो ये तीनों ने जब भारतवर्ष में पहुंचे उसका बोला जाता है कि 24 मार्च इन्होंने दिल्ली में पहुंचे और भारतवर्ष के बहुत सारे लीडर्स से मिले, कुल मिला के 182 इन बैठक हुआ और 472 लीडर्स से बात हुआ। उसके बात होने के बाद उन्होंने एक प्रपोजल रेडी किए, उस प्रपोजल को प्रेजेंट किए 16 मई 1945 कैबिनेट मिशन, इन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया। तो हम लोग अभी देखेंगे क्या क्या प्रस्ताव इन्होंने भारतवर्ष के बारे में बोले। फर्स्ट प्रस्ताव जो ये थे, इन्होंने बोला कि आने वाले दिनों में भारतवर्ष को क्या करना है, एक जो ब्रिटिश शासित भारत है उसका और जो इंडिपेंडेंट स्टेट, उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर भी इंडिपेंडेंट स्टेट रहते थे, अच्छा इंडिपेंडेंट स्टेट हम लोग प्रिंसलेस स्टेट बोल सकते हैं कि ये ब्रिटेन से लॉयल होते थे और एक अलग अलग हिस्सा था जो लोग आंदोलन कर रहे थे। तो दो तरह का सिस्टम उस वक्त हमारे भारत में बना हुआ था, जो ब्रिटिश शासित भारत हम लोग बोलते हैं और एक प्रिंसलेस स्टेट। तो ऐसा भारतवर्ष में एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनाया जाएगा जहां पर ये युक्त राष्ट्रीय कठामो रहेंगे, सेंट्रल भी रहेगा, स्टेट भी रहेंगे और ये इंडिपेंडेंट प्रिंसलेस स्टेट भी रहेंगे। तो मतलब फर्स्ट प्रपोजल इन्होंने दिया कि ब्रिटिश शासित भारत और
जो प्रिंसलेस स्टेट है उसको मिला के एक जुक्त राष्ट्रीय कठाम, जैसे हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेटअप बनाया जाएगा। दूसरा, जो भी स्टेट्स हैं, स्टेट्स को पूरी तरह से जो डोमिनियन स्टेटस हम लोग बोलते हैं उसको प्रदान किया जाएगा। ये डोमिनियन स्टेटस के चलते जो सेंट्रल है, सेंट्रल के पास क्या पावर रहेगा? सेंट्रल के पास केवल मात्र फॉरेन फॉरेन जो फॉरेन अफेयर्स और जो सिक्योरिटी सिस्टम्स, इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम्स और जो रिलेशनशिप बनाने के लिए, ये तीन दफ्तर रहेंगे केंद्र के पास। तो सिक्योरिटी रहेगा, फॉरेन अफेयर्स रहेगा और जो रिलेशनशिप, इंटरनल रिलेशंस, ये डिपार्टमेंट, तीन डिपार्टमेंट को छोड़ के पूरा दरमदार स्टेट्स के ऊपर दिया जाएगा। तीन, इन्होंने कैबिनेट मिशन ये प्रस्ताव दिया, भारतवर्ष में पूरे भारतवर्ष को तीन कैटेगरी में बांटा गया था। एक जहाँ पर हिंदू शासित इलाका है उसको ये ग्रुप में बांटा गया, और दूसरा जो मुस्लिम शासित एरिया है, जो प्रदेश है, उसको बी कैटेगरी में डाला गया था। तीसरा बंगाल और आसाम, इसको मतलब सी कैटेगरी में डाला गया था। और चार, जो भी स्टेट्स हैं, ऐसा कहा गया है कि स्टेट्स अपने आप अपना प्रतिनिधि वो निर्वाचित करके वो एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वो अपने आप बना सकता है। और ऐसा अगर स्टेट्स को लगता है, मतलब ए बी सी ए स्टेट्स जो डिवाइड किया गया था, अगर उनको लगता है कि एक के साथ जुड़ के भी डेमोक्रेटिक सेटअप और एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या रूल्स होना है वो भी बना सकते हैं। और छठा जो है, भारतवर्ष के पांचवे जो रूल्स है, भारतवर्ष के जो भी स्टेट्स या सेंट्रल से जो भी प्रतिनिधि निर्वाचित होके आएंगे, उन्हीं में से एक गण परिषद गठन किया जाएगा। वो उसी गण परिषद आने वाले दिनों में भारत के लिए संविधान रचना करेंगे। और लास्ट जो प्रस्ताव रखा गया था कि जब तक ये संविधान नहीं हो जाता, तब तक एक इंटरिम गवर्नमेंट भारतवर्ष में बनाया जाएगा। तो ये जो प्रस्ताव रखा गया, इसमें से दो तीन लोगों का, क्योंकि मैंने अभी बोला कि 472 भारतीय लीडर्स के साथ इन्होंने बैठक किए थे, तो जब प्रस्ताव इनको इन्होंने 16 में मंत्री मिशन ने प्रस्ताव रखा, तो ये भारतवर्ष के उस वक्त के कांग्रेस लीडर्स जो थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्होंने थोड़ा बहुत सपोर्ट किए। क्यों सपोर्ट कर रहे थे? इसीलिए सपोर्ट किए क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस पहली बार शायद इस प्रस्ताव में राजी हुए थे। तो हालांकि संविधान जो गण परिषद गठन होना था उसमें बोले कि हम लोग डायरेक्ट जाएंगे, अंतर्वर्तीकालीन जो गवर्नमेंट होना था, इंटरिम गवर्नमेंट, उसमें इतने ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे कांग्रेस। हालांकि बाद में हम लोग देखते हैं 1947 के 46 के बाद जो इंटरिम गवर्नमेंट बने थे वो कांग्रेस से भी बहुत सारे मतलब कांग्रेस के लीडरशिप में ही बने थे। और मोहम्मद अली जिन्ना के पास ये प्रस्ताव समर्थन करने के लिए वजह ये था कि क्योंकि वो तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब चाहते थे कि पाकिस्तान का गठन, हालांकि डायरेक्टली बात नहीं बोला गया था, लेकिन इनडायरेक्टली उनको ये लगा कि ए बी सी कैटेगरी डिवीजन होने के कारण कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान गठन हो सकता है, तो इसीलिए इन्होंने भी समर्थन कर दिया था। तो ऐसा क्या हम लोग महात्मा गांधी का बात एक बार बोल लेते हैं। महात्मा गांधी का ये जो ड्यूअल नेशन थ्योरी वाला, महात्मा गांधी को पसंद नहीं आया था। इनडायरेक्टली तो बताया गया ड्यूअल नेशन थ्योरी, तो वो पसंद नहीं आया था। और सिख नेता थे उस वक्त के, सिख लीडर ज्ञानी करतार सिंह, वो चाह रहे थे कि सिख के लिए अलग सा एक हिस्सा रहे भारतीय आने वाले दिनों में। तो और अंबेडकर जी भी चाह रहे थे कि एक ऐसा कमीशन के पास संविधान बनाने का पूरा दारोमदार ना दिया जाए, क्योंकि जो भी अपर कास्ट हिंदू है उसको फैसिलिटी मिल जाएगा, लोअर कास्ट हिंदू है उसको फैसिलिटी नहीं मिलेगा। तो बस यही है कि क्या क्या गलतियां थी। इसलिए दो दो तीन गलतियां हम लोग देखते हैं मंत्री मिशन के प्रस्ताव में। हालांकि इन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला कि हिंदू मुस्लिम या अलग सा स्टेट बनाया जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप ए बी सी कैटेगरी में आप डाल रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप आने वाले दिनों में, क्योंकि जिन्ना साहब इसलिए खुश हो रहे थे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो देश है वो उनके लिए शायद आसान रहेगा बनना। दो बात ये है कि दूसरा बात कि सेंट्रल और स्टेट जो डेमोक्रेटिक सेटअप की बात बोला जा रहा था,
तो सेंट्रल का जो पावर है वो कम दिख रहा था और स्टेट्स के ऊपर ज़्यादा पावर दिया जा रहा था, ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए अच्छा नहीं था। तीसरी बात ये है, जो इंटरिम गवर्नमेंट होगा उनका पावर क्या होगा वो इसके बारे में पूरी तरह से खुलासा नहीं किया गया था। और जो संविधान सभा मतलब गण परिषद जो गठन किया गया था उसका क्या होगा, उनको पूरी तरह से छूट पूरी तरह से फ्रीडम दिया जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसके बारे में भी बहुत सारी बातें नहीं बोला गया। तो भारतीय इतिहास में ये मैंत्री मिशन का इम्पोर्टेंस हमेशा ही रहेगा, क्योंकि ये हम बोलेंगे कि पहला इम्पोर्टेंस ये है कि लास्ट बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोशिश किए कि भारत को ना बांट के, मतलब अलग अलग देशों से ना बांट के, हालांकि ए बी सी ग्रुप में बांटा गया जरूर, लेकिन जो फिजिकली हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिकली डिवाइड ना करके लास्ट बार कोशिश किए कि भारतवर्ष को फ्रीडम मिलेगा लेकिन बांटा नहीं जाएगा, उन्होंने कोशिश किए थे मंत्री मिशंस के इस प्रस्ताव से। दूसरी बात ये है कि पहली बार हम लोगों की इम्पोर्टेंस ये हमारे देश के लिए मंत्री मिशन का इम्पोर्टेंस इसीलिए है, पहली बार कोई राज्य के जो जनगण है उनको वोट देने का मौका मिला था, इससे पहले उनको मौका नहीं था। तीसरी बात ये है कि इससे पहले जितने भी बैठक हुआ, जितने भी कमिटी बने, तो हर तरह के लोग रहते थे, जैसे यूरोपियंस रहते थे, क्रिश्चियंस रहते थे, तपसिली जाति भी रहते थे, तो इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता था, इतने तरह के लोग रहने के कारण अपना अपना अलग अलग थॉट्स रहते थे, इसलिए कुछ भी प्रस्ताव पास करना बहुत कठिन हो जाता था। तो आप क्या हुआ, सिर्फ हिंदू वाले स्टेट्स, मुस्लिम वाले स्टेट्स और ऐसा कहा गया कि जो पंजाब के लिए सिख, ये तीन तीन हिस्सों को सिर्फ स्वीकृति मिला था, बाकी और संप्रदाय को इन्होंने वैल्यू नहीं दिए थे मंत्री विषय ने, तो एक आसान रहा कुछ भी डिसीजन लेने के लिए। चार ये हैं कि जो जो भी गण परिषद गठन होना था उसमें बोला गया कोई भी भारतीय नहीं है ऐसा लोगों को नहीं रखा जाएगा, जो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात ये बोला गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो साइमन कमीशन इसलिए फेल हो गया था क्योंकि कोई भारतीय मेंबर नहीं थे, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। और लास्ट ये है कि गण परिषद जो है आने वाले दिनों में हमारे देश के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका था, क्योंकि संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन ये गण परिषद नहीं, गण परिषद के तत्वावधान में ही, मतलब इनके अंडर लीडरशिप में ही हमारे देश का संविधान बना था। तो आशा करते हैं तुम लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा, छोटा छोटा बात तुम लोग याद रखोगे, यार रखना है मेंबर का नाम याद रखना है और क्या क्या प्रस्ताव रखा गया था ये भी याद रखना है, और इंटरव्यू बोर्ड के लिए ये सब पूछे जाते हैं, तो तुम लोग जरूर टेक्स्ट बुक पढ़ोगे और भी नॉलेज मिलेगा तुम लोगों को। वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।